पैसा हर कोई माना चाहता है, चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, हर आदमी चाहता है उसके पास बहुत सारा पैसा हो। लेकिन पैसा कमाया कैसे जाए, आज देखेंगे तो इंटरनेट पर लोग सर्च करते हैं कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से घर बैठे आप पैसा कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल जोगिंदर ज्ञान में आप सब लोग का स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए, कोई भी नया वीडियो बनता है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो मैं बात करने जा रहा हूं डिजिटल इंडिया की, बात करने जा रहा हूं कि घर बैठे जो महिलाएं अपने काम में माहिर हैं वो समय निकाल करके दो पैसा घर पे कमा सकती हैं। चाहे उनको अच्छा खाना बनाना आता हो, चाहे कोई लेबर क्लास का आदमी हो, अच्छा फ्रिज रिपेयर करता हो, एसी रिपेयर करता हो, कोई कंप्यूटर रिपेयर करता हो, कोर्स कराता, मतलब जिस तरीके से आपके टैलेंट है उस टैलेंट को जाके सोशल मीडिया पे आप लोगों को दिखाइए और बताइए और दर्शाइए कि आप कितने माहिर हैं। तो दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ आज यूट्यूब के बारे में कि आज यूट्यूब दिन पर दिन प्रचलित हो रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो आप भी कमा सकते हैं और मैं भी कमा सकता हूं। मैं शुरुआत कर चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो देखने के बाद में आप भी शुरू कर देंगे। तो दोस्तों यूट्यूब से पैसा कैसे आता है बता दूं आपको मैं, यूट्यूब से पैसा आता है एड से, स्पॉन्सरशिप से और एफिलिएट मार्केटिंग से। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं आपको बताऊंगा बहुत शॉर्ट के अंदर कि वो चीज़ें क्या होती हैं। पहले आपका जो टारगेट है आप यूट्यूब चैनल खोल लीजिए। दोस्तों यूट्यूब चैनल खोलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद एक फ़ोन नंबर होना चाहिए जिस पर आप वेरीफाई कर सकते हैं और एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जाइए गूगल के अंदर, वहाँ लिखिए youtube.com, जब वो पेज खुल के आया तो वहाँ पे साइन में क्लिक करिए, वहाँ पे अपना एक जीमेल का आईडी डालिए और अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अकाउंट क्रिएट कर प्रोफाइल पिक्चर लगा लीजिए और बैकग्राउंड पिक्चर चेक कर लीजिए और इतना होने के बाद में आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है दोस्तों। तो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि एक अच्छा कंटेंट बनाए, आप वीडियो बनाए और वीडियो बना बना के आपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहिए। जब यूट्यूब चैनल पर लोग वीडियो देखना स्टार्ट कर देंगे तो आपको लोग जाना शुरू कर देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप यूट्यूब क्रिएटर बनने के लिए चाहिए आपको जो है लगभग 1000 सब्सक्राइबर, मतलब आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। और उसके बाद आपको 4000 घंटे चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए। दोनों होने के बाद में आपका चैनल मोनेटाइज, मतलब आप पैसा कमाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तभी आपका जो है यूट्यूब आपके चैनल को अप्रूव करता है। दोस्तों 4000 वॉच टाइम क्या होता है बता देता हूँ। मैंने कोई वीडियो बनाया मान लीजिए अगर 5 मिनट का, कोई मेरा दोस्त वीडियो को लो है 2 मिनट देखता है तो 2 मिनट जो है वो मेरा वॉच टाइम कहलाएगा। ऐसे करते करते 4000 वॉच टाइम, मतलब 240000 मिनट में चाहिए और लगभग 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो ये क्राइटेरिया आपको 1 साल के अंदर पूरा करना होता है। ये दो चीज़ कर लेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि अपने चैनल को मोनेटाइज करा लूँ दोस्तों। तो जब आप ये काम कर लेंगे तो आप वीडियो बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, तो कुछ बेसिक चीज़ें मेरे पास पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपका एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए, इसमें कैमरा अच्छा हो, और एक माइक ले लीजिए जो मोबाइल का माइक होता है, साथ में जो ईयरफोन मिला होता है उससे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है, तो अलग से आप माइक खरीद सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने भी एक माइक खरीद लिया है, ये बोया कंपनी का है, इसमें नॉइस फ्री है और अच्छा माइक है, लगभग ये 1000-1500 रुपये मिल जाएगा आपको, और इसको मार्केट खरीद करके इसको आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और नॉइस फ्री है। फिर एक चाहिए आपको ट्राइपॉड चाहिए होता है, ट्राइपॉड से क्या होगा, जैसे हाथ में लेके मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो उसमें जो है शेकिंग आ जाता है, फोटो हिलता है, वीडियो हिलता रहता है, तो वो नहीं हिलेगा। तो एक माइक चाहिए आपको, एक फ़ोन चाहिए आपको और एक ट्राइपॉड चाहिए, तीन चीज़ चाहिए होगा। जब तीन चीज़ हो जाएगा मतलब अच्छा वीडियो बनाने के लिए, वरना घर बैठे बैठे आप तो अपने हाथ से भी कर सकते हैं और जो ईयरफोन मिला हो तो उससे कर सकते हैं, मोबाइल के माइक से भी कर सकते हैं। ये तीन चीज़ होने के बाद वीडियो बनाइए, वीडियो बना के अपलोड करते रहिए मोबाइल के ऊपर और कुछ सॉफ्टवेयर लोड कर लीजिए। मैं भी वीडियो दिखाऊंगा आगे आपको और उसमें बताऊंगा कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं कि और कैसे तरीके से आप उसको एडिट कर। चलिए दोस्तों बताता हूँ मैं कि कौन सा एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ अपने वीडियो एडिटिंग करने के लिए। मेरे पास काइन मास्टर है जो कि मैं इसी को यूज़ करता हूँ, जितने भी मेरे वीडियो आप देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर मैं इसी को यूज़ करके जो है और बनाता हूँ। बहुत ईजी सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा आपको पढ़ना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में पूरा बता सकता हूँ। पूरी वीडियो एडिटिंग इसी से होती है, आपका आवाज़ कम है रिकॉर्डिंग के समय तो इसी से आपको तेज भी कर सकते हैं। तो बंद करता हूँ, ये हो गया एक काइन मास्टर। फिर मेरे पास जो है कोई फ़ोटो होता है उसको बैकग्राउंड हटाने के लिए फ़ोटो के पीछे का, तो मेरे पास बैकग्राउंड इरेजर है ये, और ये आप डाउनलोड कर सकते, फ्री सॉफ्टवेयर है ये, तो इजीली भी डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आप फ़ोटो लोड करिए और लोड करने के बाद में यहाँ से अपने बैकग्राउंड को हटा सकते हैं, तो ये बैकग्राउंड हो गया। फिर उसके बगल में देखिए यूट्यूब स्टूडियो दिख रहा है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट लोड करने के लिए, क्योंकि अगर आपको व्यू चेक करना है, कितने लाइक हैं, कितने कमेंट है, सारी चीज़ मतलब यूट्यूब का चीज़ है, तो यूट्यूब स्टूडियो इसको आप डाउनलोड कर सकते, ये भी प्ले स्टोर मिल जाएगा, फ्री सॉफ्टवेयर है ये। फिर आप देख सकते हैं मेरे पास में पिक्सल लैब भी है। ये पिक्सल लैब क्या होता है, थंबनेल जैसे वीडियो हम बनाते हैं, वीडियो के जब जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं तो हमारे सामने जो पिक्चर आता है उसी को थंबनेल कहते हैं। तो थंबनेल बनाने के लिए मैं पिक्सल
लैब का इस्तेमाल करता हूँ, बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर ये भी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर इंट्रो, कभी कभी इंट्रो आपको बनाना होता है, बीच में एडिट डालना है, तो इंट्रो मेकर मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको भी यूज़ करके आप जो है इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, बीच में जोगेंद्र ज्ञान लिख के आता है, ये सारी चीज़ें मैं इससे बनाता हूँ। दोस्तों ऐसे 4-5 सॉफ्टवेयर जो बेसिक सॉफ्टवेयर हैं, इसका इस्तेमाल करके आप एक अच्छा वीडियो बना सकते हैं और अपने लोगों को दिखा सकते हैं, तो मुझे लगा है। और हाँ एक चीज़ लास्ट में बताता हूँ, मैंने एक कैमरा भी लोड कर रखा, कभी कभी लाइट की दिक्कत आती है तो उसमें ओपन कैमरा डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर भी है, और इसके माध्यम से भी जो है आप अच्छे मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जहाँ पर कभी लाइट ना हो और कोई दिक्कत आपको होता हो। तो 4-5 सॉफ्टवेयर है और इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको एक अच्छा वीडियो बनाने में हेल्प मिलेगा दोस्तों। तो आगे देखिए वीडियो में क्या बता रहा हूँ दोस्तों। जब वीडियो एडिट हो जाता है उसको आप जो है टाइटल डालिए, डिस्क्रिप्शन डालिए, टैग डालिए, इतना होने के बाद में तो जो महिलाएं वीडियो को देखेंगी, बता दूं आपको, अगर आपका टैलेंट पड़ा हुआ, घर बैठी है, खाली समय आपका पड़ा हुआ, अगर अच्छा आप खाना बना सकती हैं तो आप भी अपने खाने के रसोई को जो है आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखा सकती है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं इंडिया के अंदर जो महिलाएं अच्छा खाना बनाती हैं, घर बैठे जो है लाखों रुपए कमा रही हैं। आप क्यों वेट कर रही हैं, आप भी तैयारी करिए, आप भी कमा सकती हैं। जो दोस्त मेरे अगर किसी काम में माहिर है, हेयर कटिंग करते हैं, गाड़ी बनाते रहते, मतलब जो भी काम आपको टैलेंट है उसको आइए और सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब को सबको दिखाने का प्रयास करिए। सुनहरा मौका यूट्यूब आपको दे रहा है कि घर बैठा पैसा कमा सके। दोस्तों अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी लेना है यूट्यूब के बारे में तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करिए, मुझसे सवाल पूछिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और बताऊंगा किस तरीके से आप काम कर सकते हो। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद और मतलब यह है कि जितने मेरे दोस्त यार हैं, मुझे देखते होंगे यूट्यूब में, क्यों मैं सक्रिय हो चुका हूं, तो मैं बता दूं आपको, सक्रिय इसलिए हो चुका हूं क्योंकि ये यूट्यूब हमें आपको मौका दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो क्यों ना हम लोग आगे बढ़ा जाए। तो जो भी लोग अगर वीडियो से खुश हैं और वीडियो को उनको अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कोई भी सवाल पूछना आपको है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। और हाँ वीडियो को शेयर कर दिए, जो लोग भी YouTube के क्षेत्र में माहिर होना चाहते हैं इस वीडियो से थोड़ा थोड़ा उनको ज्ञान मिलेगा और कुछ पैसा कमा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में किसी अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों, जय हिंद जय भारत।